गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपण मराठी पाहणार आहोत। काय आहे मराठी मध्ये पुढचा चॅप्टर बघा। धडा 24वा ईद। ईद काय आहे? एक फेस्टिवल आहे। त्या फेस्टिवल विषयी आपण काय करून माहिती घेणार आहोत। काय आहे त्या फेस्टिवल मध्ये काय काय होतं हे आपण पाहणार आहोत। आज हम लोग ईद देखने वाले हैं। क्या क्या ईद में होता है, क्या क्या करते हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलो क्या है देखो। पहले जॉन, सुरभी, अजय सगळे खेळत होते। कौन कौन? जॉन, सुरभी, अजय ये सब क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। जैसे आप लोग खेलते हो फ्रेंड्स के साथ, वैसे ये लोग सब फ्रेंड्स मिलके खेल रहे थे। क्या शेजारचा उस्मान आला, त्याने आज नवीन कपडे घातले होते। तो जवळ येतात अजयने विचारले, अरे उस्मान आज नवीन कपडे, आज काय वाढदिवस आहे का तुझा? देखो उतने में वो सारे जन खेल रहे हैं, उतने में उनके सामने कौन आता है? उस्मान। तो वो जो बच्चे खेल रहे थे उसमें से एक क्या पूछ रहा है कि आज तूने नए कपड़े क्यों पहने हैं? आप लोग भी पूछते हैं, किसी ने नया कपड़ा पहना होगा तो आज नया कपड़ा क्यों पहना है, आज तेरा बर्थडे है क्या? वैसे ये लोग भी उस्मान को पूछ रहे हैं। ठीक है, फिर उस्मान क्या जवाब दे रहा है चलो देखते हैं। नाही, आज रमजान ईद आहे, अम्मी ने तुम्हाला सर्वांना लगेच घरी बोलवलंय। उस्मान क्या बोल रहा है? नहीं, आज क्या है, रमजान ईद है और अम्मी ने क्या किया है, आप लोगों को घर पे बुलाया है। अजय पूछ रहा है कशाला, क्यों बुलाया है? उस्मान, अरे शीरखुरमा खायला, चला सगळे जाऊया। उस्मान क्या आंसर दे रहे हैं? अरे शीरखुरमा खाने के लिए बुलाया है, चलो हम लोग सब जान जाते हैं। सगळे मिळून उस्मानच्या घरी जातात। सब जन घर में उस्मान के घर जा रहे। अम्मी, या मुलांनो बसा, आज ईदचा दिवस, आमच्याकडे आज शीरखुरमा असतो, सगळ्यांनी पोटभर खा। बघा उस्मानच्या घरी गेलेले आहे सर्व, तेव्हा त्याची अम्मी, उसकी मम्मी क्या बोली आहे की आओ आओ बच्चो, सब जन आओ और बैठो और क्या करो, शीरखुरमा खाओ। आज के दिन हम लोग क्या करते हैं? शीरखुरमा बनाते हैं। सब जन क्या करो, पेट भर के खाओ। देखो हम लोग के भी घर में कोई, आपके भी घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना आइए आइए बैठिए, वैसे ही उस्मान की मम्मी भी क्या बोल रही है कि आओ बच्चो आओ और बैठो। सुरभि, अम्मी शीरखुरमा म्हणजे काय? सुरभि पूछ रही है कि शीरखुरमा मतलब क्या? अम्मी, शीरखुरमा म्हणजे शेवयाची खीर, त्यामध्ये दूध, साखर, मनुके, काजू, खारीक, बदाम इत्यादी पदार्थ असतात। सुरभि पूछ रही है तो सुरभि को अम्मी आंसर क्या दे रही है कि शीरखुरमा मतलब शेवई की खीर होती है, उसमें क्या क्या होता है? दूध, शक्कर, मनुका, काजू, खारीक, बादाम इत्यादी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ठीक है, हे सांगता सांगता अम्मी ने सर्वांना शीरखुरमा दिला, मुले आनंदाने खाऊ लागली। देखो मम्मी आंसर भी दे रही है और अपना काम भी कर रही है। कौन सा काम कर रही है? शीरखुरमा देने का काम कर रही है। ठीक है, जॉन, खरंच अम्मी शीरखुरमा खूपच छान झालंय। जॉन क्या बोल रहा है कि अम्मी शीरखुरमा बहुत अच्छा हुआ है, तारीफ की है शीरखुरमे की। अच्छा ये तो अम्मी परत या बरं का पुढच्या ईदला पण या शीरखुरमा खायला। सबजन अभी क्या कर रहे, घर से निकल रहे हैं। उस्मान के घर से सबजन निकल रहे हैं। फिर अम्मी क्या बोल रही है कि अगले साल फिर से आना शीरखुरमा खाने के लिए। हम लोग भी जब किसी के घर से निकलते हैं तो बोलते ना अभी हम लोग निकलते हैं, फिर घर में जो होते हैं इंसान वो बोलते हैं कि फिर से आना, बोलते हैं ना, आप लोग भी बोलते हो ना कि फिर से आना मिलने के लिए, कुछ चीज़ करने के लिए, ऐसे बोलते। वैसे ही उस्मान की मम्मी भी बोल रही थी। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं आप लोगों को देती हूँ। थैंक यू, बाय।